नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पूरे राजस्थान की नजरें नतीजों पर ना होकर किरोड़ी लाल मीणा पर टिकी हुई थी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने पर इस्तीफे की बात कही थी और आखिरकार आज किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने के बाद सीधा आलाकमान ने किरोड़ी लाल मीणा से संपर्क साधते हुए उनको दिल्ली बुलाया है। राजस्थान में बीते 24 घंटों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जो अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला। सदन में जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों के डीएनए को लेकर जो बयान दिया गया था उसका विरोध देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष की ओर से भजनलाल सरकार को जमकर घेरा गया। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार के पिछले 7 महीने के कार्यकाल को विफल करार दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सदन छोड़कर जाने के बाद पूरा विपक्षी सदन से बाहर चला गया, जिसके बाद विपक्ष के बिना ही सदन की कार्रवाई आगे चलती रही। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण का विरोध लगातार जारी है। युवाओं द्वारा बिना अनुमति शहीद स्मारक पर धरना देने के चलते राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी और एनएफयू अध्यक्ष हनुमान किसान को हिरासत में लिया गया। इसके बाद युवाओं ने पैदल ही शहीद स्मारक के लिए कूच किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। नीट परीक्षा दोबारा करवाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। एसएफआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नीट परीक्षा में जमकर धांधलेबाजी हुई है, इसलिए नीट परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करने का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 जुलाई को राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार महासंघ की ओर से जयपुर में आंदोलन का ऐलान किया गया है। महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा पिछले कुछ समय से लगातार हर जिले में जाकर महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 जुलाई को जयपुर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे की रोकथाम को लेकर नगर परिषद सभापति और पार्षदों ने आज पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग रखी। सभापति सुमित रिणवा और 10 पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से नशे का कारोबार बढ़ रहा है और युवाओं से इसकी मौतें हो रही हैं। झालावाड़ जिले के जवाहर थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने 15 दिन से एक नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, तो एक मजबूर पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ पूरी टीम मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। राजस्थान में कार्यरत 10 लाख से अधिक कार्मिकों को अपनी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन नहीं भरना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 2,80,000 कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रह सकते हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में लगे होने के चलते कार्मिक ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, ऐसे में उनको और वक्त मिलना चाहिए। तो ये थी आज की तमाम वो बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।